आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, सेवा के लिए। प्रभु जितने देखते सुनते सबको आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं दानियल के सपने, जो एशिया माइनर के विषय में हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रभु ने मुझे बताया उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि दानियल जो है, जो मूर्ति का, जो राजा का दर्शन बताया था, उस मूर्ति के विषय में जो कि सोना और इसी तरह से चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी और लोहे का राज्य के बारे में। तो सबसे पहले है सोना। सोना जो है बेबीलोन को बताता है, और आज के दौर में वो हम देखने जाते हैं इंडिया को बताता है कि इंडिया जो है बेबीलोन की तरह है। इंडिया में भी जिस तरीके से लोग पाए जाते हैं, बाइबिलन में भी वैसे ही तंत्र मंत्र करने वाले हर तरह के ज्ञानी, ओझा और हर तरह के लोग पाए जाते हैं। इंडिया है ऐसा क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं फारस को देखते हैं। जब फारस देखते हैं, जो कि इस तरीके से चांदी का है, सो उसमें हम देखते हैं कि फारस जो है इस तरीके से रूस को बताता है कि रूस इस तरीके से रशिया जो है खड़ा होता है, उसके विषय में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पीतल है, सो पीतल जो कि यूनान को बताता है, जो कि ग्रीक साम्राज्य को बताता है। ग्रीक साम्राज्य जैसे जापान है, जापान भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया, बहुत तबाह हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी भी विश्व युद्ध के बाद भी बहुत बुरे, लेकिन वो लोग बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं, बहुत तेज़ी से वो लोग उन्नति हुए हैं। उनका फास्ट ट्रेन भी है, देखते हैं बहुत तेज़ी से वो लोग उन्नति किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोम राज्य, रोम जो लोहे का राज्य को बताता है, लोहा को बताता है। तो रोम जो है आज के डेट में, हम चाइना को देखते हैं कि कैसे वो चाइना कितना सशक्त है, ताकतवर है, कम्युनिज्म है, और उसका जो सिस्टम है बहुत मजबूत सिस्टम है, एआई सिस्टम हो, जो भी उनका कंट्रोल सिस्टम हो, कम्युनिस्ट सिस्टम हो, चाइना में ख़ास तौर से बहुत है, सब जगहों में प्रभु दिखाया है स्थिति से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोहा है और मिट्टी का साम्राज्य है, लोहा मिट्टी का साम्राज्य, वो कोरिया को बताता है, जो कि हम देखते हैं कि कोरिया जो है दो भाग में विभक्त है, एक है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इस तरीके से है, दो कोरिया है, और एक तरफ कम्युनिज्म है, एक तरफ सोशलिज्म है, इस तरीके से दोनों चीज़ें हैं, और लेकिन वो कोरिया ही कहलाता है, दोनों अलग अलग कोरिया हैं, लेकिन एक होकर भी पूरा अलग है। तो इस तरीके से प्रभु ने मुझे दिखाया और इन दर्शन को परमेश्वर ने मुझे दिया, जो कि मैं ऑनलाइन आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। सो इसमें परमेश्वर की क्या इच्छा, क्या मर्जी, लेकिन परमेश्वर को सारी महिमा मिले, परमेश्वर की बड़ाई हो अंतिम दिनों में, एंड टाइम में हम जब जीते हैं। सो आप इस ध्यान दीजिए सारी बातों पर, हम देखते हैं किसे परमेश्वर का राज्य इस जगत में आने वाला है, और सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा। सो चाहे जगत में किसी का भी राज्य हो, लेकिन एक दिन सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा, परमेश्वर की कलीसिया का हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते प्रभु आपके दर्शन के लिए, ऑनलाइन शेयर करने में सहायता करने के लिए, जितने देख सुन सबको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु, अपने राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन।